हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे आई टेक योर क्लास 7 सब्जेक्ट संस्कृत व्याकरण। ओके, सो आई रिपीट आई एक्सप्लेन संस्कृत व्याकरण योर चैप्टर नंबर 10 लेटर राइटिंग। सो बेटा, संस्कृत में हम आपको आज लेटर लिखना सिखाएंगे, पत्र कैसे लिखते हैं। तो लेटर देखते हैं हम, पत्र लिखना कैसे, ठीक है। आपने अपने जीवन में बहुत पत्र लिखे भी होंगे, तो हिंदी में पत्र लिखते हैं बेटा, और संस्कृत में भी, इंग्लिश में भी लिखते हैं, तीनों में। संस्कृत में देखते हैं कैसे लिखते हैं। हम अपने जीवन में चार प्रकार के पत्रों का प्रयोग करते हैं। देखिए, चार प्रकार के पत्र आए, ध्यान दीजिएगा। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? चार। ये पत्र संक्षिप्त भी होते हैं और सारगर्भित भी होते हैं, मतलब छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। उनका सार भी बताया जाए, सारगर्भित यानी डिटेल में पूरी सार बताया जाए, ठीक है। तो पहला पत्र एक प्रार्थना पत्र होता है। प्रार्थना पत्र में हम प्रधानाचार्य जी को या किसी कार्यालय के लिए जब नौकरी हेतु लिखते हैं, तो उसमें सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, अगर प्रधानाचार्य जी को लिखेंगे तो प्रधानाचार्य महोदय लिखेंगे, या प्रधाना अगर लेडीज हैं तो प्रधानाचार्य महोदया, ठीक है, प्रधानाचार्य महोदया, अथवा प्रबंधक महोदय, प्रबंधक को आदि संबोधन लिखकर उनका पत्र लिखा जाता है। मतलब जिसको लिखेंगे उसका तो लिखेंगे ही नहीं है। अंत में भवदी प्रिय शिष्य, अंत में अपने लिए लिखते हैं कि मैं आपका भवदी हूँ, प्रिय शिष्य हूँ, ठीक है, आदि लिखना चाहिए। कार्यालय पत्रों में अंत में भवदी या विश्वस्त आदि लिखते हैं, यानी कार्यालय पत्र जब लिखेंगे आप तो भवदी विश्वस्त जैसे शब्द जरूर यूज करेंगे, कार्यालय जैसे शब्दों में अगर लिखते हैं तो, मतलब कार्यालय जैसे लेटर, कार्यालय के लिए लेटर पत्र लिखते हैं तो। अब व्यावसायिक देखिए, यानी व्यापार से रिलेटेड, तो इसमें व्यापार से संबंधित बातें रहती हैं, तो दो हमने देख लिया। अब व्यवहारिक देखिए, व्यवहारिक में बेटा, व्यवहारिक में क्या बताया जाता है, ये पत्र अपने यानी फैमिली को बताया लिखा जाता है, माता पिता, चाचा ताई, दादी दादा, भाई बहन, चाचा नाना नानी, काका काकी, जितनी फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है। इनमें पूज्य पादा श्रीमंत यानी श्रीमान, अपूज्य, ठीक है, चरण स्पर्श पादा मतलब पूज्य, ऐसे इस तरीके से आदि लिखकर अभिवादन सूचक शब्द सादर प्रणाम वंदे नमामि आदि लिखना चाहिए। लिखते हैं ना सादर प्रणाम, तो यह सब लिखना चाहिए, ठीक है। अपने से छोटों के लिए हम प्रिय शब्द लगाते हैं, और आशीर्वाद के रूप में उन्हें स्नेह के रूप में सुभाषिष, सप्रेम, आशीष भी लिखते हैं, ये सब लिखना चाहिए। बराबर वाले जो बड़े हैं, जो बराबर वाले हैं उनके लिए सप्रेम नमः, सनिश्च, नमस्कार, यानी नमस्कार, सप्रेम नमः, ये सब शब्द बराबर वालों के लिए आते हैं। बड़े वालों के लिए वंदे नमामि, सादर प्रणाम, पूज्य पादा, श्रीमंता जैसे शब्द, छोटे जैसे लोगों के लिए क्या लगाते हैं, आशीर्वाद जैसे शब्द, स्नेह, सुभाषी, ओके। अंत में बड़ों के लिए हम भवदी, प्रिय, पुत्र आदि शब्द जैसे लिखते हैं, ओके। अब निमंत्रण पत्र चौथा होता है, किसी को निमंत्रण देते हैं, किसी को बुलाते हैं, शादी पार्टी, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, ये संबंधित तथा आत्मीयजनों को किसी शादी, जन्मदिन, गृह प्रवेश, दुकान मकान, मुहूर्त आदि पर लिखे जाते हैं। तो चार प्रकार का हमने पत्र देखा बेटा। पहला पत्र है प्रार्थना पत्र, दूसरा पत्र है व्यावसायिक पत्र, तीसरा व्यवहारिक, चौथा निमंत्रण। अब पत्र का ढांचा देखिए, पत्र के ढांचे यानी पत्र लिखने का प्रारूप कैसा होता है। प्रेषक स्थान का पहले यानी जिसको लिखते हैं प्रेषक का स्थान होता है, फिर दिनांक लिखना चाहिए हमें, प्राप्तकर्तु नाम अभिवादन जो प्राप्त करता है, और नाम अभिवादन के लिए ऐसा भी होना चाहिए, मैं जिसके लिए भेज रहा हूँ उसका नाम होना चाहिए ना। पत्रस्य विषय वस्तु, पत्र की विषय भी होनी चाहिए, किसके बारे में पत्र लिख रहे हो, ताकि ऊपर से दिखते ही एक टैगलाइन हेडलाइन समझ में आ जाए। स्वविशेषणादि नाम, सो अपना विशेषण के साथ अपना नाम भी लिखना चाहिए, ठीक है। अब प्रार्थना पत्र में देखते हैं अवकाश हेतु पत्र, जैसे अगर हम लिखते हैं अवकाश हेतु पत्र तो सेवायाम कैसे लिखते हैं, कि छुट्टी के लिए अगर हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, एप्लीकेशन अपने सर को लिख रहे हैं, मान लीजिए प्रिंसिपल को आप लोग लिख रहे हैं, प्रिंसिपल सर को, तो क्या लिखेंगे, सेवायाम सेवा में श्रीमंत प्राचार्य महोदय, श्रीमान प्राचार्य महोदय जी, कख कख बेटा यहाँ इसलिए दिया गया है, ये नाम के लिए दिया गया, मतलब स्कूल का नाम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, तो अगर आपका स्कूल ग्लेन हिल है तो आप ग्लेन हिल स्कूल लिखेंगे, ग्लेन हिल स्कूल, ग्लेन हिल कॉन्वेंट स्कूल, ठीक है, ग्लेन हिल कॉन्वेंट स्कूल।
ठीक है। कख ग ये सभी के लिए बताई गई है, और कख ग इसलिए बेटा बताया गया किसी स्कूल का नाम नहीं दिया गया। जैसे किसी भी स्कूल का नाम अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो कख ग वहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अब प्लेस क्या है, नई दिल्ली, नई दिल्ली में यानी ये स्कूल है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा बेटा, ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, महोदया। अब महोदया लिखने के बाद अब आप ये चीज़ लिखेंगे क्या, सेवायाम सेवा में निवेदन है क्या, तो अहम अध्यवकाशे गृह कार्यासात कार्यवसात विद्यालय आगंतुम असमर्थ अस, कि आज मैं आवश्यक कार्य, घर पे आवश्यक कार्य पड़ जाने के कारण विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, आगंतुम मतलब आने में, अतः अहम अवकाशम दत्वा अनुग्रह, अतः मुझे अवकाश देने की अनुमति ग्रहण करें, ठीक है, अनुमति दें। अब धन्यवाद किया जा रहा है, यानी जिसने पत्र लिखा था प्रधानाचार्य जी को कि स धन्यवादम भवताम शिष्य, आपका शिष्य, अतिशय नाम भी अतिशय दे दिया है और दिनांक, ठीक है, तो ऐसे पत्र लिखते हैं। अब आते हैं मान लीजिए जैसे शुल्क मुक्ति के लिए आपको फीस अपनी कुछ कम कराना हो तो कैसे लिखेंगे एकदम पूरा, तो सेवायाम सेवा में श्रीमंत प्राचार्य महोदया उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नई दिल्ली, ये एड्रेस हो गया, यहाँ आपने सेवा में किया, ये जिसके लिए लिखते हैं अगर प्राचार्य महोदया हैं तो महोदया, महोदय हैं तो महोदय, ये स्थान हो गया, ये स्कूल का नाम हो गया। अब यहाँ पे आदरणीय आदरणीय करके करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका विषय था, ये जो विषय था कि शुल्क मुक्ति के लिए आपने पत्र लिखा, अब आप यहाँ पर लिखना चालू करें निवेदनम यत अहम तव विद्यालय सप्तमी कक्षा, कि निवेदन है कि मैं सातवीं आप अपने विद्यालय में आपके विद्यालय में सातवीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ, अविभागा से अविभाग की छात्रा हूँ, मम परिवार से आर्थिक दशा दयनीय अस्ति, मेरा परिवार, मम मतलब मेरा, मेरे परिवार की, परिवार से परिवार की आर्थिक दशा क्या है, दयनीय है, मम पिता मेरे पिता एकस्मिन कार्यालय चतुर्श्रेणी कर्मचारी, एक चतुर्थ एक कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के यानी श्रेणी में विभाग में बटे होते हैं तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, अतः अहम विद्यालय से मासिक शुल्कम दातुम असमर्थोस्मि, अतः मैं अपना मासिक शुल्क देने में विद्यालय के मासिक शुल्क देने में असमर्थ हूँ, माम शुल्कम मुक्त कृत्वा अनुग्रहत, मेरा शुल्क मुक्त करने की कृपा करें। अब यहाँ पे सधन्यवाद देना है आपको, भावतीय आप अपने लिए लिखेंगे, बहुत ही आज्ञाकारी शिष्य। अब यहाँ पे विदुषी लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे आप अपना क्रमांक डालेंगे सप्तमी अनुक्रमांक और ये दिनांक, ठीक है, ये हो गया, ठीक, इसी प्रकार से ये है बेटा, इसी प्रकार से ये आपका होगा। तो रूप्यकाणी प्रेषितम पितरम प्रतिपत्रम, पैसे के लिए पिता को पत्र लिखना है, ठीक है। इसमें देखिए पूज्यपादा प्रीत महोदया पापा के लिए लिखा गया है, साधारण चरण स्पर्श अत्र कुशल तत्रास्त, कैसे सारी कुशलता बताई गई, पूछी गई है, अपनी भी बताई गई है, ठीक है, तो इसी प्रकार से ये है। अब हम चलते हैं जन्मदिवस पे, अपने मित्र को आप निमंत्रण पत्र लिखना चाहते हैं तो ये हो गया। फिर उसके बाद यही चीज़ हिंदी में भी होती है बेटा, एप्लीकेशन, कि हिंदी हो चाहे संस्कृत हो चाहे इंग्लिश हो, कि आप यहाँ पे सब्जेक्ट डालेंगे ये चेंज नहीं होगा, जो सब्जेक्ट होगा वही, बस अंतर क्या है कि आप इंग्लिश में इंग्लिश हो तो इंग्लिश, हिंदी है तो हिंदी, संस्कृत है संस्कृत। यहाँ पे आपको अपना पता डालना है, यहाँ पे प्रिय मित्र के लिए डालना है, कहाँ पे भेज रहे हैं, यहाँ पे आपका पता नहीं, यहाँ मतलब जिसको भेज रहे हैं उसके लिए, और यहाँ इसने उनको नमस्कार करेंगे, अगर समान है तो बड़े हैं तो मैंने पहले ही बताया बड़े छोटे के लिए क्या क्या यूज करते हैं, यहाँ पे कुशलता पूछेंगे। फिर यहाँ पे आप बताना चालू करेंगे पूरे सब्जेक्ट के बारे में कि शुभ समाचार यत्र प्रतिवर्णम, कि शुभ समाचार है कि इस जन्मदिवस जनवरी में मेरी क्या है द्वितीय तारीख को होगा, क्या होगा जन्मदिवस यानी जन्मदिन, अतः तुम्हें निमंत्रण, तो मैं तुम्हें निमंत्रण देता हूँ, सपरिवार उचित समय सपरिवार के साथ उचित समय पर समारोह की शोभा बढ़ाइए, माता पिता चरणों में प्रणाम, माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम है, ठीक है। भवदी अभवदी अपना नाम, भवदी अभिन्न हृदय हृदय मित्रम हृदय के करीब मित्र राजीव कुमार नाम दीदी, अब आपका जो नाम होगा वो लिखिएगा, ऐसा नहीं कि क ख ग होता है तो क ख ग राजीव कुमार है तो राजीव कुमार, ऐसा नहीं बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से ग्रीष्म अवकाशी में ये भी है, तो बहुत इजी है बेटा, कुछ नहीं है। ग्रीष्म के छुट्टी में, गर्मी की छुट्टी में दर्शन के लिए अपने मित्र को पत्र लिखना है
कि घूमने कहीं आप जा रहे थे, इसमें दिल्ली के लिए बात की गई है, ठीक है, इसमें दिल्ली के लिए बात की गई है ना, तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी कुशलता पूछी गई है। तो आपका लेटर कंप्लीट होता है, कैसे लिखे जाने चाहिए पत्र, ठीक है। आप अच्छे से वीडियो को वॉच करिए, देखिए, समझिए बेटा, ओके। तो थैंक यू।